रहमान रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, हम वॉवल्स के बाद कॉन्सोनेंट्स कर रहे हैं और कॉन्सोनेंट्स में कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स कर रहे हैं। व्हाट आर कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स? कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स किसको कहते हैं? Consonant blends, also called consonant clusters, are a collection of two or three different consonant sounds that are each heard when the word is pronounced. Consonant blends जो हैं दो या तीन consonant की आवाज़ों का मुरक्कब होते हैं, और आज हम practice करेंगे three consonant blends, यानी तीन consonant मिलकर एक blend बनाते हैं। प्रैक्टिस सेइंग दीज वर्ड्स अलाउड, इन अल्फाज की प्रैक्टिस करें और मेरे साथ ऊंचा बोलें। ये आपको कील नज़र आ रहे हैं, पिच, और इनको हम इंग्लिश में कहते हैं स्क्रू, स्क्रू। और आप देख रहे हैं कि स्क्रू में एस सी आर जो है वो ब्लेंड है, कॉन्सोनेंट ब्लेंड। और हम इल्म हासिल करने के लिए कौन सी जगह पे आते हैं? स्कूल, 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 अपना इखलाक और किरदार संवारने के लिए। और स्कूल में एस सी एच जो है वो कॉन्सोनेंट ब्लेंड है। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को पहचाने, जाने कि मैं कौन हूँ, मेरा ईमान क्या है और मुझे जाना कहाँ है। अपने आप को पहचानना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला सूरह बकरा में फरमाते हैं कि मैंने इंसान को ज़मीन में खलीफा बनाया, अशरफुल मखलूकात बनाया। और क्योंकि खलीफा बनाया तो दुनिया, ज़मीन और आसमान के अंदर जो कुछ भी है वो इंसान के लिए मुसख़र कर दिया, वो इनको इस्तेमाल कर सकता है। और फिर अल्लाह की मेहरबानी ये है कि उसने हमें बता दिया कि हमें पैदा किस लिए किया है, कि मेरी इबादत करें। तो इबादत का मफहूम जो हमें कुरान से मिलता है वो ये है कि खाना पीना, सोना जागना, बातचीत करना, हर काम करना उस तरीके से जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है उसको इबादत कहते हैं। सच का रास्ता इख्तियार करना, इसीलिए अल्लामा इकबाल का शेर है कि मोहम्मद से वफ़ा तू ने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। प्यारे बच्चों, सीरत और नबी का मुतालिया करें, आपको पता चले हमारे नबी कैसे हैं। और वही है जिसने तुम्हें ज़िंदगी बख्शी फिर मौत देता है, और अल्लाह के सामने हमें एक दिन ज़िंदा होकर दोबारा अपने अमाल का जवाब देना है। इसीलिए मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, पैदा होने से बुढ़ापे तक किसी वक्त भी मौत आ जाती है। तो प्यारे बच्चों, कुरान मजीद पढ़ो ऐसी ज़बान में जिससे समझ आती हो। ये रब का तारुफ भी है और हमारी हैसियत भी हमें बताती है। तो आज से तर्जमे के साथ कुरान मजीद पढ़ना शुरू करें। ये क्या है? स्प्रे। आपने देखा है पानी की स्प्रे भी करते हैं, दवाई की स्प्रे भी करते हैं। तो स्प्रे में एस पी आर जो है वो है कॉन्सोनेंट ब्लेंड, स्प्रे, स्प्रे। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं ये धारियां सी बनी हुई हैं एक दूसरे के मतवाजी, इनको कहते हैं स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स। और स्ट्राइप्स में एस टी आर जो है वो कॉन्सोनेंट ब्लेंड है। और ये क्या है? अगर आप कोई पेंट या कोई चीज करें तो उसका छींटा जब नीचे गिर जाता है तो ऐसे नजर आता है, तो इसको कहते हैं स्प्लैश, स्प्लैश, स्प्लैश। तो इसमें एस पी एल जो है वो कॉन्सोनेंट ब्लेंड है। ये है, ये डिस्क को फेंक रहा है तो फेंकने को कहते हैं थ्रो, थ्रो। और इसमें टी एच आर जो है वो कॉन्सोनेंट ब्लेंड है, थ्रो, थ्रो। और ये क्या है? ये धागा है और धागे को इंग्लिश में कहते हैं थ्रेड, थ्रेड। और इसमें टी एच आर जो है वो कॉन्सोनेंट ब्लेंड है, थ्रेड।
आज जितने भी हमने कॉन्सोनेंट ब्लेंड पढ़े वो वर्ड के शुरू में आते हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको सबक पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।